नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन, एमपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। हम जानते हैं प्रति 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो वो गठन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280 ए। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन 4 कथनों में ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ये बिल्कुल सही है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। दूसरा कथन है कि प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन संथानम थे, तो ये गलत है। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सी है कि 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन सी रंगराजन थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, प्रथम वित्त आयोग, ये गलत है। केसी नियोगी के अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल रहा था, तो 2015 से 2020 ये 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल रहा था। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है कि राज्यों को कर का हिस्सा देने में वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखता है। तो राज्य का जो जनांकिकी परिवर्तन है इसको ध्यान में रखता है, आय असमानता को, शिक्षा स्तर को ध्यान में रखता है। तो इसका सही उत्तर है राज्य में जंगलों का क्षेत्रफल। पांचवा है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के 1951 के चेयरमैन कौन थे। तो जो प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि बजट केवल अंक गणती मामले नहीं है। ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है, और किसका कथन है, तो ग्लैंडस्टोन का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर को खूबसूरत बहने कहा था। तो ये ग्लैंडस्टोन का कथन है। तो इसका सही उत्तर है सी, बजट केवल अंक गणती मामले नहीं है। एल्डोफ वैगनर, अगला प्रश्न है कि एल्डोफ वैगनर कहां के अर्थशास्त्री थे। तो ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। तो इसका सही उत्तर है डी, जर्मन के। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा वेतन और पेंशन के भुगतान को, जो वेतन और पेंशन का भुगतान है ये किस मद में आता है। तो ये राजस्व व्यय कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि पीकॉक वाइसमैन के अनुसार अर्थव्यवस्था से सार्वजनिक व्यय का निरंतर और व्यवस्थित विस्तार होता है, तो किसके द्वारा। तो ये प्राकृतिक कारण और संरचनात्मक परिवर्तन दोनों के द्वारा व्यवस्थित विस्तार होता है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सरकार को मौजूदा राजस्व से मौजूदा खर्चों को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से इस कथन को यदि देखें तो ये कथन उस ओर संकेत करता है कि व्यक्ति के पास जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, अर्थात जो उसके पास जितना रेवेन्यू हो उसी के आधार पर व्यय करना चाहिए, संतुलित व्यय की ओर ये संकेत कर रहा है। तो ये अल्प व्यय या इकोनॉमी थ्योरी जो है उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि पीकॉक एवं जैक वाइजमैन ने किस अवधि के दौरान ब्रिटेन के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। तो ये वर्ष 1890 से 1955 के बीच में इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसका इन्होंने अध्ययन किया था। तो 1890 से 1955 इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि वैगनर के अनुसार किसका संबंधित
विकास औद्योगिकरण अर्थव्यवस्थाओं की एक अंतर्निहित विशेषता है। वैगनर जर्मन अर्थशास्त्री थे और सरकारी क्षेत्र के विकास जो है ये किससे संबंधित है, तो औद्योगिकरण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि किसने औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि के सापेक्ष महत्व के बीच कार्यात्मक संबंध की परिकल्पना की, तो जर्मन अर्थशास्त्री एल्डोफ वैगनर ने औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का ये जो कार्यात्मक संबंध है इसको स्थापित किया। तो उसका सही उत्तर है सी, एल्डोफ वैगनर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में कराधान का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन है? भुगतान करने की क्षमता, वित्तीय सिद्धांत, सेवा लागत, लाभ सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बेनिफिट थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। लाभ सिद्धांत जो है ये सबसे स्वीकृत सिद्धांत है, यही प्रसिद्ध सिद्धांत भी है। किसने कहा, अगला प्रश्न है कि किसने कहा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो आकर्षक बहनों की तरह है? तो ये ग्लैंडस्टोन का कथन है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जिन्होंने बजट के संदर्भ में कहा था कि यह केवल आंकड़े नहीं है। कि एक कर जो आय का उच्च प्रतिशत लेता है उससे आय बढ़ जाती है, मतलब आय बढ़ने पर टैक्स भी उससे ज्यादा लिया जाता है। तो ये प्रगतिशील कर का जो है उसकी विशेषता है। प्रगतिशील करों में क्या किया जाता है कि जैसे जैसे जो करदाता है उसकी आय बढ़ती है तो उससे अधिक टैक्स भी लिया जाता है। अगला 17वां प्रश्न है कि वैट लगाया जाता है, वैट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन के सभी चरणों पर वैट लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण वापसी का अर्थ क्या है? सार्वजनिक ऋण की वापसी का अर्थ है रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, ऋण की वापसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि नहीं है? जो पब्लिक डेब्ट है इसको जो पेमेंट करने की जो है मेथड कौन सा नहीं है? तो अनुदान सहायता जो ग्रांटिंग एड है ये जो है ये सार्वजनिक ऋण भुगतान की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऋण चुकाने से इंकार करने का संदर्भ दिया जाता है? तो ऋण अस्वीकार भी सरकार कर सकती है, तो ए इसका सही उत्तर है अस्वीकारता। अगला प्रश्न है कि कौन सा वैट का प्रकार नहीं है? मोड वैट ये वैट का प्रकार है, सिन वैट, मैन वैट ये सभी वैट के प्रकार हैं। जो मैट है ये मैट निगम कर से संबंधित है, तो ये मैट जो है ये वैट का प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, मैट। अगला प्रश्न है कि अशोध ऋण इरिडीमेबल जो डेप्ट है ये कौन से है, ये किनको क्या कहलाते हैं? तो ये नियमित ऋण कहलाते हैं, परपिटुकल जो ऋण है ये सही है इसका उत्तर ए, नियमित ऋण। अगला है कि घाटे के वित्त प्रबंध में शामिल है, हम जानते हैं कि जो घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था जब आय से अधिक व्यय तो केंद्र सरकार क्या करती है? तो बैंकों से उधार ले लेती है, केंद्रीय बैंक से उधार ले लेती है, या नई मुद्रा छाप देती है, या सरकार संचित निधि से जो ले है शेष वो ले लेती है। तो ये तीनों प्रकार से भारत में ये तीनों प्रकार अपनाए जाते हैं, जबकि विदेशों में नई मुद्रा का निर्गमन घाटे की वित्त व्यवस्था का होता है, किंतु भारत में केंद्रीय बैंक से उधार, नई मुद्रा का निर्गमन और सरकार द्वारा संचित निधि शेष वापस लेना। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि घाटे का वित्त प्रबंध नेतृत्व करता है, तो घाटे के जो वित्त व्यवस्था है इसका जो प्रभाव है इसका दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि इससे मुद्रा स्फीति, महंगाई बढ़ती है, नई मुद्रा के निर्गमन से भी महंगाई बढ़ती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था प्रायः महंगाई को बढ़ाता है, इस कारण से घाटे की वित्त व्यवस्था को इसकी आलोचना की जाती। तो इसका सही उत्तर है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। अगला प्रश्न है कि कौन सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? ट्रेजरी बिल ये भी जो पब्लिक डेट है इसका एक पार्ट है, आरबीआई द्वारा जो प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं इनको सरकार कर
लेती, ये भी ऋण है। जो 25वां है इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। 26वां प्रश्न है कि राज्य स्तर पर कौन से कर को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में राज्य का कौन सा कर शामिल नहीं है? तो कृषि भूमि पर कर जो लगान है, कृषि भूमि पर जो कर लगाया जाता है, ये शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय का घटक है? तो पूंजीगत व्यय का घटक, तो रक्षा पर व्यय जो किया जाता है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होगा? तो राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान यदि दोनों बराबर हो जाए तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा। जो चूंकि प्राइमरी जो डिफिसिट है उसका फार्मूला ही है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी जो मॉडल अपनाया गया है वो किस देश से प्रेरित है? तो ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है सी, कनाडा। अगला प्रश्न है कि राजस्व का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड मसग्रेव को राजस्व का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी।